Admission open now. Mount Era Convent School. Class nursery to 8. English medium. Best faculties members. Trained and experienced teachers. Eye care trained teachers. Modern infrastructures. Van faculties available. Big playground. Pedagogically designed curriculum. CCTV surveillance in all classes. Address near Yamuna Prasad Shastri Mook Badhir School, तोपखाना, रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। रीवा में एक महिला के साथ ठगी का मामला सामने आया है, जहां युवक ने पहले प्यार, फिर शादी और फिर महिला से 55 लाख रुपए ऐंठे और दूसरी शादी रचा ली। दरअसल यह मामला गढ़ थाना क्षेत्र के लॉरी क्रमांक 3 का है, जहां वीरेंद्र दुबेदी के घर एक महिला पहुंची और अपने आप को उनकी पत्नी बताते हुए 55 लाख रुपए ऐंठने की बात कही है। दरअसल महिला ज्योति त्रिपाठी शहडोल की रहने वाली है, जो बैंक में काम करती है। महिला का विवाह सीधी निवासी व्यक्ति से हुआ था, जो शासकीय कर्मचारी थे, जिनकी मौत हो गई तो महिला को बैंक में नौकरी मिल गई और खासा पैसे भी मिले। इसी दौरान गढ़ थाना क्षेत्र के लॉरी की रहने वाले वीरेंद्र दुबेदी की मुलाकात ज्योति त्रिपाठी से हुई और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। ज्योति ने बताया कि उसके एक बेटा है और वह विधवा है, लेकिन वीरेंद्र दुबेदी ने मोटी रकम खाते में देख सब कुछ स्वीकार करते हुए कानूनी तौर पर शादी रचा ली। साथ ही हिंदू रीति रिवाज के साथ भी शहडोल में विवाह किया। इस दौरान वीरेंद्र दुबेदी महिला से 55 लाख रुपए लिए और साथ ही कुछ दिन पहले ही बर्नाकार भी खरीदवा ली। शादी के 3 साल बाद वीरेंद्र दुबेदी घर में पारिवारिक कार्यक्रम होने का बहाना बनाकर लॉरी आया और यहाँ दूसरी शादी रचा ली। जब कई दिनों से महिला से संपर्क नहीं हुआ तो महिला ने मोबाइल में चेक किया तो देखा कि घर परिवार के लोगों ने स्टेटस में वीरेंद्र दुबेदी की शादी की फोटो लगा रखी थी, जिसे देखते ही महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपना सब कुछ खो चुकी महिला लॉरी गांव पहुंची तो परिजनों ने ताला बंद कर अंदर जाने से रोक दिया। महिला अब दरवाजे में बैठकर पति का इंतजार कर रही है। आइए सुनते हैं पीड़िता को पूरे मामले पर उसका क्या कुछ कहना है। मेरा नाम ज्योति त्रिपाठी है, मैं शहडोल से हूँ। मैं अपने पति, मेरी शादी वीरेंद्र कुमार द्विवेदी से हुई है, जिनके मैं घर गाँव में लोहरी क्रमांक 3 में मैं आई हुई हूँ। मेरे पति ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। ये मेरे साथ 2019 से मैं इनसे सबसे पहली बार मिली थी बैंक में, क्योंकि मैं बैंक में जॉब करती हूँ। उसके बाद 2020 से हम रिलेशनशिप में आए, फ़ोन में मिलने लगे हम आपस में फ़ोन में, और इन्होंने मेरे साथ, मैं पहले से शादीशुदा थी तो मैं विधवा थी ये वो अच्छे से जानते थे, और मेरे पास बैंक बैलेंस था ये भी वो अच्छे से जानते थे, और एक मैं बच्चे की माँ हूँ ये भी वो अच्छे से जानते थे। मैंने उनको सब कुछ बताया था कि देखो मेरी कंडीशन ये है, अगर आप शादी मुझसे नहीं कर सकते तो मेरे रिलेशनशिप में मत आओ, लेकिन वो सब कुछ एग्री करते हुए मेरे से 2020 से लेके 2023 तक वो लगातार मेरे रिलेशन में थे, मेरे पैसे यूज़ करते थे, मेरे बेटे को अपना नाम देने की कोशिश करते थे, मेरे घर में एक परिवार के सदस्य के साथ रहते थे। और फिर जब ये सब हुआ तो मैंने बोला कि अगर ये सब है तो फिर आप, उन्होंने मेरे पास शादी का प्रपोजल रखा और बोला मैंने अपने घर में सबको बता दिया है, बस आप एक विधवा हो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सबको पता है और सारे लोग तुमको खुद घर लेके जाएंगे। और सब लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया अपने घर से, बस ये दिखाया नहीं कि मैं विधवा हूँ इसलिए। फिर 25 जून 2023 को पूरे हिंदू रीति रिवाज से मेरी शादी त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जबलपुर में हुई, जिसका रजिस्ट्रेशन नगर निगम से है। और हम फिर शहडोल आ गए और शहडोल में पूरे कागज़ डॉक्यूमेंट के साथ मेरे आधार कार्ड में पति वीरेंद्र कुमार द्विवेदी और मेरा रजिस्ट्रेशन, मेरी फ़ोटो, और मेरी शादी में 150 से 200 लोग थे। विधिवत मेरी हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई और वो भी कानूनी तौर पे। हम दोनों बालिग हैं और मेरे कोई पति नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी थी और ये इसका कोई विवाह नहीं था, तो हम कानूनी तौर से पूरे लीगली तरीके से शादी हिंदू एक्ट के तहत किया। फिर हम ये मुझे शहडोल में रखने लगा, सारे हम लोग अच्छा चलने लगा। धीरे धीरे इन्होंने वैसे पैसे, गाड़ी, अपना पूरा बिजनेस स्टैंड अप किया मेरे पैसों से, क्योंकि मेरे पहले पति सरकारी नौकरी में थे तो मुझे अच्छा खासा क्लेम मिला। उसके बाद इन्होंने अच्छे मुझे पूरे यूज़ किया, फिर मेरे को कभी गाली गलौज मारपीट भी करने लगे, नई गाड़ी की डिमांड करी इन्होंने मुझसे। धीरे धीरे मैंने इनकी सारी उनको पता था मेरे और क्लेम आने पर मैंने मकान की मांग की उन्होंने मुझसे, और मैंने उनको मकान देने का वादा भी किया। अभी 10 दिन पहले उन्होंने मुझसे जिद करके 15 लाख की वरना कार खरीदवाई और उसके बाद उन्होंने, मैं बैंक में जॉब करती हूँ इसलिए मुझे छुट्टी नहीं मिलती, तो उन्होंने मुझे बोला मेरे घर पे ब्रह्मों का कार्यक्रम है, बड़े बीच वाली भाभी को बेटा हुआ था, तो 1 दिन के लिए उसमें और 3-4 दिन गेहूँ की कटाई में लगेगा, फिर मैं आता हूँ। और वो ये बोल के यहाँ चले आए और मैं वहाँ काम में उलझी थी। जब मैंने फ़ोन में बोला इतने दिन हो गए आप आए नहीं, तो वो वापस आए मेरे पास। उसके बाद वो मेरे साथ एक रात रहे, 25 की रात वो मेरे साथ पूरा रहे और सुबह तक उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं कि मैं क्या करके आया हूँ। जब 25 की सुबह इनकी मम्मी भाभी लोगों ने स्टेटस लगाया फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, और खुद भी उनके पैरों में महावर और सारी चीज़ें थी, तो मैंने उनसे पूछना चाहा तभी पे वो मुकर गए। फिर जब सारी चीज़ें मैंने उनकी व्हाट्सएप पे देखी तब उन्होंने बोला हाँ मैंने शादी करके आया हूँ दूसरी 20 अप्रैल को और 18 अप्रैल को मेरा तिलक था। फिर उन्होंने हम दोनों मेरे साथ मारपीट किए, मुझे बहुत मारा, झगड़ा किया, तो मैं इसीलिए थाना गई FIR कराने, क्योंकि मुझे मेरे जान का खतरा लग रहा था। इनके माँ बाप लोग सब मिलकर प्लानिंग के साथ गांव में आए और शादी कर दी है। शहडोल में इन्होंने किसी को कार्ड नहीं दिया क्योंकि मुझे पता चल जाए, इस वजह से इन्होंने किसी को कार्ड भी नहीं दिया, ना कुछ बताया, चुपचाप गाँव आ गए। फिर उसके बाद यहाँ जैसे मैं आई तो इन लोग ने मेरे को मार पीट के घर के बाहर निकाल दिया और अपने लड़के को कह रहे हैं कि बाहर चला गया, फरार हो गया। और मैं कहाँ जाऊँ, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। एडमिशन ओपन नाउ, माउंट एरा कॉन्वेंट स्कूल, क्लास नर्सरी टू 8, इंग्लिश मीडियम, बेस्ट फैकल्टीज मेंबर्स, ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स, आई केयर ट्रेंड टीचर्स, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर्स, वैन फैकल्टीज अवेलेबल, बिग प्लेग्राउंड, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Address near Yamuna Prasad Shastri Mook Badhir School, Topkhana, Rewa, Madhya Pradesh.